उत्तर प्रदेश के इटावा में मेडिकल स्टोर संचालक और उसके भाई के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जब ये घटना के अनावरण के लिए हमारी एसओजी टीम, थाने की फोर्स और सर्विलांस टीम लगी तो कई चीज उसमें निकल करके आया और कल मुखबिर की सूचना के बाद इसमें चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। लूटी गई पिस्टल बरामद हो गई है, उसके अलावा जो पैसा लूटे थे उसमें से कुछ नकदी बरामद हुई है। मुठभेड़ भी पुलिस के साथ इन लोगों ने किया है, इसका मुकदमा लिखा जा रहा है और इसमें इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें एक पिस्टल है 32 बोर जो लूटी हुई थी, दो खोखा कारतूस 32 बोर और दो जिंदा कारतूस 32 बोर का बरामद हुआ है जो कि गिरिराज मेडिकल स्टोर के मालिक का था और लूटी हुई थी। इसमें जो एक्टिवा स्कूटी प्रयुक्त किया गया था वो भी चोरी का था, उसका मुकदमा लिखा गया है, वो भी बरामद हुआ है जिसका उपयोग किया गया था। एक तमंचा 315 बोर का और दो जिंदा कारतूस 315 बोर और एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। पूरे घटनाक्रम में जो पाया गया है, घटना करने वाले नई उम्र के लड़के हैं जो 18 से लेकर के 25 साल तक के हैं। इसमें से एक लड़का जो है इनके मेडिकल स्टोर पर 5-6 साल पहले काम कर चुका था, जो 2 महीने बाद उसको हटा दिए थे किसी कारण से, इनके दुकान के सामने बाहर रहता था। उसमें से मुखबिरी की गई कि सोमवार के दिन जो है पैसा लेकर के जाते हैं, इसी चक्कर में इनके साथ ही घटना घटित की। जी हमारा सर रोज का आना जाना था सर बाइक से, तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो लड़कों ये पीछे से हमला किया चलती गाड़ी में सर, हमसे किया, फिर हम रुके नहीं, ना ही हम गिरे तो सीधे जसवंत का सर पहुँचे। फिर पहुँच के एक मेडिकल रुके तो हमने कहा बहुत सारा खून बह रहा है, तो फिर शिवगौर डॉक्टर उन्हें टाँके लगाए, इंजेक्शन लगाए तो खूब खून गया। फिर थाने गए, फिर थाने में जैसे गए तो तुरंत उन्हें एक्सरे ले गए जसवंत थाने में, तुरंत हमारे मौके पर आए। फिर सिविल लाइन पर हम लोग पहुँच के तो पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया, फिर बताया, फिर लेकिन एक ही लोग थे, बाद में पता चला कि उन्होंने भी हमला कर दिया है, उनका ज़्यादा चोट आई सर। तो मैं सबसे पहले कप्तान साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा।